बरेली के भोजीपुरा ब्लॉक के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत परधौली के युवा प्रधान नरेश चंद्र गंगवार से आज हमारे संवाददाता ने उनके प्रथम कार्यकाल में उनके द्वारा अब तक कराए गए विकास कार्यों पर बात की। तब नरेश चंद्र गंगवार ने हमारे संवाददाता से अब तक कराए गए समस्त विकास कार्यों और भविष्य की योजना में उन्होंने जो कार्य चुने हैं उनकी विस्तार पूर्वक जानकारी देते हुए बताया। बरेली से रफी मंसूरी की रिपोर्ट। नरेश चंद्र गंगवार, ग्राम पंचायत परधौली, विकासखंड भोजीपुरा, जनपद बरेली। लगभग 8 से 10 CC डलवा चुका हूँ और 10 ही खड़ंजे डलवा चुका हूँ और 229 शौचालय बना, आवास 4 बने हैं। व्यवस्था भी नहीं कर पा पाए आपकी, उसमें नया कार्यकाल में देखेंगे। बाटर है, ठीक है, बढ़िया काम है उसका। शिक्षा का क्या प्रबंध है आपके क्षेत्र में? नहीं, शिक्षा हमारी इंग्लिश मीडियम है, प्राइमरी विद्यालय, और अच्छा पढ़ाई चल रही है उसमें। उसमें काया क्लब के अंतर्गत कार्य कराए गए हैं, टाइल्स वाटर के लिए, बच्चों के लिए हाथ धोने के लिए टंकी, फर्श में टाइल्स लगवाई गई है, बच्चों के लिए रास्ते में जाने के लिए CC डलवाई गई है, बाउंड्री वाल कराई गई है। चुनाव तो लड़ना ही है और आगे कुछ चीज़ें अभी बाकी रह गई हैं करने के लिए। इस साल तो हमने एक अंतर्ष्टीय स्थल, जो गांव वालों की मांग थी, उनकी समस्या दूर कर दी। अभी 2 काम और रह गए हैं, एक तो बारात घर, जो गरीब लड़कियों की शादी होगी तो उसे लोगों को प्रयोग में आएगा, और दूसरा अभी एक पंचायत घर, जिसे पंचायत भवन बोलते हैं, उसकी ज़रूरत है गाँव वालों के लिए। अगले बार चुन के आते हैं तो ये काम, वाटर टैंक का इंतजाम करेंगे, लगभग 4 चारों तरफ गांव के, स्वच्छ पानी मिले गांव वालों के लिए, बीमारी कम आए, क्योंकि गंदगी का पानी जो नल से आता है, पीला पानी आ रहा है जो 60 फीट वाला बोरिंग से, उससे बीमारी फैल रही है, इसलिए वाटर टैंक का ही इंतजाम करेंगे, घर घर पानी का इंतजाम करा देंगे। कोरोना महामारी से बचने के लिए तो मास्क बहुत ज़रूरी है और सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार ही चलें, जैसे वो कह रहे हैं, और घर से तभी चलें निकलें जब बहुत ही ज़रूरी काम कार्य हो, और मास्क लगा के चलें, दूरी बनाए रखें, तभी सुरक्षा है, और अब स्वयं सुरक्षा, दूसरे की सुरक्षा। सुना गया है कि आपने भी सैनिटाइज कराया है? हाँ, सैनिटाइजर पूरे गांव में कराया है, और साफ सफाई हमारे 2 कर्मचारी हैं, रमेश और सत्यपाल, दोनों लोग समय से आते हैं और साफ़ सफाई का ध्यान रखते हैं। कितने बार सैनिटाइज करा चुके हैं? लगभग 2 बार गांव में, 2 बार पूरे गांव में सैनिटाइज करा चुके हैं, अभी साफ सफाई होने के बाद फिर कराएंगे। क्या इस बीमारी में लगातार सैनिटाइज कराते रहेंगे? जी।